हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी लोग। उम्मीद है आप सभी लोगों का स्वागत है, आप सभी लोग बढ़िया होंगे। तो आप लोगों का स्वागत है मेरे चैनल एमसी कुबरा गेमर पर। और आज हम लोगों का एपिसोड 3 ऑन वर्ल्ड लेना जार। तो लास्ट वीडियो के अंदर हमने बनाया था ये प्यारा सा सुंदर सा घर। तो आज इसमें मैं थोड़ी बहुत रेनोवेशन और थोड़ी बहुत चीज़ों को ऐड करने वाला हूँ। तो मैंने प्रिपरेशन तो बहुत पहले करके रख ली है, अब बस काम करना रह गया। तो तो मैंने जो स्टेयर्स लगाई थी वो स्टेयर्स मुझे कुछ ज़्यादा खास जमी नहीं, उससे मेरे घर का लुक भी ख़राब हो रहा है। तो मैं सोच रहा हूँ कि मैं स्टेयर्स को रिमूव करने वाला हूँ और मैं एकदम बढ़िया स्टेयर्स लगाने वाला हूँ। तो जल्दी से स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैंने सभी को तोड़ना है। तो यहाँ पर तो मैंने स्टेयर्स को तो तोड़ दिया। अब यहाँ से जल्दी से कंस्ट्रक्शन चालू करते हैं। तो मैं कंस्ट्रक्शन करने वाला हूँ वुडन स्टेयर्स से। कंक्रीट का इस्तेमाल करके मैं इसे करने के बाद आज आखिरी रात मेरे घर से बाहर सड़क पे। तो यहाँ पर ये तो लग गया, लेकिन मैं जब भी उतरता हूँ तो मेरी स्पीड बहुत ज़्यादा होती है, तो मेरे पैर थोड़ा सा फिसलता है तो मैं नीचे गिर जाता हूँ। तो मैं सोचा अब ये करने की, अब ये क्या है समझ जाओ आप लोग। यहाँ पर ऐसे तो आप देख सकते हो, अब मेरी जो स्टेयर्स है थोड़ी सी ऐसी हो गई है, तो मुझे सही लग रही है। और यहाँ से मैं उतर के नीचे भी आ सकता हूँ, तो ये मुझे कंफर्ट लग रहा है। अब ऐसे ही मुझे सेम ऐसे ऊपर करना है, तो मैं ऊपर का आपको करके मिलता हूँ। तो मैंने लगा दिए स्टेयर्स जहाँ पे रेड स्टेंड ग्रास और उसके ऊपर मैंने ग्रीन वाला रखा, जो मुझे काफ़ी अच्छा कॉम्बिनेशन लगा। और देखो तो यहाँ पर मेरा ये तो रूम बन चुका है, तो मुझे बस इसकी और मेक कंस्ट्रक्शन करनी रह गई। तो उन कंस्ट्रक्शन को चालू करने से पहले सामग्री सेकेंड लास्ट रात पक्का सेकंड लास्ट रात है, क्योंकि अब मुझे अटैच चेस्ट हमारा भाई यहाँ पर तो मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा। तो इसके अंदर आप देख सकते हो मैंने यहाँ पर से कुछ तरीके से चेस्ट इसको लगा दिया, और अभी यहाँ पर मैं पूरा अच्छे से फिल करने वाला हूँ। उससे पहले मैं सोच रहा हूँ बाकी की चीज़ें और बना लेता हूँ, जैसे कि फ्रिज बनाने का सारा सामान। तो मेरे पास सारा सामान हो चुका है, अब मैं कंस्ट्रक्ट करने जा रहा हूँ मेरा हाउस। तो मैं आ चुका हूँ, सबसे पहले मैं नीचे की कंस्ट्रक्शन चालू करता हूँ। अरे यार सर यार, मैं आर्मर स्टैंड लेना तो भूल गया, तो मैं आर्मर स्टैंड ले, तो मैंने आर्मर स्टैंड भी ले लिया। अब इन सभी को यहाँ पर रखता हूँ, और सबसे पहले निकालता हूँ इसे और अपने हाथ से इन सामान को ऊपर करता जाता हूँ। और बाढ़ने की बाल्टी की भी कुछ जरूरत है नहीं, और मेरे को चाहिए ये, मेरे को चाहिए ये, मेरे को चाहिए ये, मेरे को चाहिए ये, मेरे को चाहिए ये यहाँ पे। तो अभी किसी तो मैं इतना ही सामान निकल के और सारा सामान लगाना चालू कर देता हूँ। तो वीडियो ज़्यादा लंबी नहीं करने के लिए मैं दोबारा पूछ यार, आप लोग भी सोचोगे मैं इतना पोस्ट क्यों करूँ। तो उसका एक सिंपल सा रीज़न है, क्योंकि आज मुझे कुछ आइलैंड्स को भी डिस्कवर करना है। तो मैं ये एरिया अभी के लिए खाली रखूँगा, क्योंकि यहाँ पर मैं बनाऊँगा मेरा इंचांटमेंट एरिया, इसलिए तो ये एरिया तो बंद ही रहेगा और बाकी मैं बाकी काम करके। तो यहाँ पर मेरा हाउस तो रेडी हो चुका है, तो मैं आपको टूर दे देता हूँ। तो यहाँ पर मैंने स्टोरेज एरिया बनाया, यहाँ पर मैंने फ्रिज बनाया है, तो ये फ्रिज वर्केबल है पूरा। यहाँ पर मैंने सारा स्टोरेज अपना स्टोर कर दिया है। और यहाँ से चलता हूँ ऊपर, तो ऊपर आपको मेरा बेड देखने को मिल जाएगा और यहाँ पर आपको एक कवर देखने को मिल जाएगी, जो फिलहाल तो खाली है, और मैं इसे आइलैंड से वापस आने के बाद भरूंगा। तो चलो अब चलते हैं आइलैंड्स की ओर, तो मैं आपको बाहर मिलती हूँ। तो यहाँ से मैं सीधे वाले आइलैंड में जाने वाला हूँ। तो चलो, तो ये आइलैंड तो मुझे खाली मिला, तो इसके अंदर कुछ नहीं है, तो मैं उस आइलैंड के अंदर चलता हूँ। तो मैं आ चुका हूँ यहाँ पर, यहाँ पर बैरल है जिसके अंदर मुझे थोड़ी सी वीट मिली है, थोड़ी सी सीड्स। चलो फार्मिंग करूँगा अब मैं, मेरे पास इट्स डेंजरस टू गो आउटसाइड अलोन वाली है हो, तो अब मैं आगे चल सकता हूँ और आपसे मिलता हूँ। ये फिर से मुझे खाली मिली, अब इसके अंदर चल, यहाँ पर भी खाली, तो रात हो रही मैं दिन करके।
तो मैं आ गया हूँ यहाँ पे वापस, अब सामने चलते हैं। और मैं आपको वहाँ डोर लाना भूल गया था, तो मैं एक डोर लेके आ चुका हूँ। और डोर की क्यों होती आप लोगों को पता चल ही चुका होगा। तो यहाँ पर है मुझे एक स्क्वीड फार्म दिखा है, जहाँ से मुझे बहुत सारे स्क्वीड मिलते चले जाएंगे। और यहाँ तो ये तो मुझे बहुत अच्छा लगा, मैं बाकी के आइलैंड्स पे जाने की देखता हूँ। जैसे कि मैंने बोला था ना, यहाँ से बहुत अच्छा दिखेगा। तो देखो कितना प्यारा सा दिख रहा है यहाँ से देखने में मेरा हाउस। मैं सोच रहा हूँ आज की वीडियो में वो आइलैंड भी देख लेते हैं। तो मैं इस वाले आइलैंड पे आ गया, मुझे बहुत सारी पॉकेट मिल रही हैं। और यहाँ से मैं सामान निकाल लेता हूँ और निकाल के आप, और मैंने सारा सामान उठा लिया। तो मैं इस वाले आइलैंड पे भी आ चुका हूँ, यहाँ का भी बैरल से सारा सामान निकाल लेता हूँ। मुझे बहुत सारा आयरन मिल चुका, बहुत सारा कोल, बहुत सारी बेरीज, और मुझे बहुत सारा ये भी मिल चुका है। और ये भी ले लेता हूँ, मेरा जीवन में गलती से डाल दिया था। अब लास्ट आइलैंड पे चलते हैं। मैं डेजर्ट टेंपल के अंदर आया और मुझे ये लूट मिल रही है फ्रॉम डेजर्ट टेंपल। तो मैं ये लूट कलेक्ट करके मिल, ओ भाई गोल्डन एप्पल। तो यहाँ पर मुझे बहुत सारी लूट मिली थी, तो मैंने वो भी यहाँ पर जमा कर ली। और मुझे उस साइड से मेरा घर थोड़ा खाली खाली लग रहा था, तो उधर मैंने SP लिख दिया है फॉर माय नेम। और मैंने बहुत मेहनत लिखा है। तो उसके आगे अब हम लोग अपना उसे कंप्लीट करने वाले हैं, डायमंड के सेट को, और एक और आयरन का सेट बनाएंगे जो हम लोगों के सूटकेस में जाए। तो मैंने यहाँ पर आर्मर बना दिया, अब बस इसे लगाने की बारी है। तो मैं लगा के, तो अब मैंने यहाँ पर अपनी फार्मिंग भी कर ली है, और साथ ही साथ मैंने बना लिया ये वाला एरिया जिसके अंदर मैं अपने सारे एनिमल्स को भी रखता हूँ। और यार आज की वीडियो बहुत छोटी है, लेकिन आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। मैं मिलूंगा आपसे अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा टेक केयर एंड बाय बाय। हाँ, उससे पहले एक चीज़ याद आई, तो आपसे वो सेट की बोली थी ना मैंने, तो वो सेट दिखाना रह गया वीडियो लंबे करने की देसी तो थी। इस बार मैं वीडियो में कट नहीं लगा रहा, आज बहुत कट लगे हैं यार। तो इसके अंदर मेरे ये पूरा आर्मर रखा है, और चेस्ट के अंदर मेरा पूरा बाकी का सेट का सामान रखा है। मैंने पूरा सेट बनाया, मैंने बहुत डायमंड उड़ाया। और मैं अगली वीडियो में आयरन फार्म भी बनाऊंगा और XP फार्म भी बनाऊंगा। तब तक के लिए